हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, FCI का जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों को पता है कि आ चुका है ना। एग्ज़ाम डेट आ चुका है आपका 31 मई, 1 जून, 2, 3। ठीक है, 31 मई, 1 जून, 2 जून और 3 जून। ठीक, ये चार डेट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है। पहला चीज़, एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अब सवाल ये है कि फेज़ वन की बात हो रही है कि फेज़ वन जो कि आपका बैंकिंग कह सकते हैं, बैंकिंग बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम है ना, बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्या यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा क्या। ठीक, सेक्शनल कट ऑफ की बात हम करेंगे यहाँ पे कि कट ऑफ होगा क्या। ठीक है, तो देखिए, आप फेज़ वन का पेपर होगा, आप सभी को पता है फेज़ वन में क्या है। बिल्कुल जस्ट लाइक यहाँ जो पैटर्न देख रहे हैं, बिल्कुल एक बैंकिंग के जैसा है ना, ये बैंकिंग के जैसा ही पैटर्न है। अब इसमें कि कट ऑफ जो होगा, बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ। ठीक, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। तो देखिए, ये सरप्राइजिंग रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, ये सरप्राइजिंग रहेगा। अगर देखिए, अगर हमें यहाँ पे बात करूँ कि सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ होगा, यस या नो, ये कहीं पे भी ये बात नहीं कहा है। लेकिन अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट होंगे, ठीक, तो ये बात आप बिल्कुल भली बात ही समझेंगे कि यहाँ पर जो आप जिस तरह के पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 यहाँ पर क्वेश्चन है और 100 मास के लिए और सभी के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट्स, सभी पार्टिकुलर सेक्शन। इंग्लिश के लिए अलग 20 मिनट दिया गया है, रीजनिंग के लिए अलग 20 मिनट दिया गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए अलग 20 मिनट दिया गया। मीन कि इन्हीं 20 मिनट में आपको हर सेक्शन को कवर करना है। ठीक, अब ऐसे में यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा, सरप्राइजिंग तो है। तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, इतना ज़रूर मान के चलना, ठीक, इतना ज़रूर मान के चलना कि सेक्शनल कट ऑफ होने की संभावना होगा। बिल्कुल ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होने की संभावना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 4000 प्लस पोस्ट है, 4000 पोस्ट के लिए आया वैकेंसीज, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होने की गुंजाइश बिल्कुल होगी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 4000 के बाद 15 गुना जो होगा आपका, कहाँ पे होगा, फेज़ टू के लिए। आप जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे, ये टोटल वैकेंसीज जो 15 गुना जो फेज़ टू में जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, वैकेंसीज 4000 प्लस है, ठीक, सबसे ज़्यादा नॉर्थ जोन में है, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी वैकेंसीज नहीं है, बहुत कम भी वैकेंसीज नहीं है, कैंडिडेट काफ़ी संख्या में होंगे। ऐसे में लाजमी है कि यहाँ पे आपका जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, ताकि यहाँ पे जो है भीड़ कम होगा तो फेज़ टू में कैंडिडेट जो आएंगे, वो जो होंगे ना, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो बाकी में मेहनत कर रहे थे, वही कैंडिडेट वहाँ पे फेज़ टू में देखने को बनेंगे। ऐसा मेरा मानना है। अगर आप पहले से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो, तो इस बात को ज़रूर समझो कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होने के चांस है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्या कितना रहेगा, ये तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा। अगर कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ रहा तो क्या होगा। देखिए, अगर सेक्शनल कट ऑफ रहा तो मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ, तो इंग्लिश में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो होगा 10, ठीक है, 10 के आसपास में कह सकते हैं, यहाँ पे 8 से 10 जो होगा इसका सेक्शनल कट ऑफ होगा, 8 से 10 होगा। जनरल कैटेगरी के सेंस में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर OBC हैं तो उसे 1-2 मार्क्स और कम कर लें, ऐसे ST कैटेगरी तो थोड़ा और कम कर लें। रीजनिंग एबिलिटी की यहाँ पे मैं मेरी माने तो जो सेक्शनल कट ऑफ आपका 12 से आपका 14 के आसपास में देखने को मिलेगा। ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होगा जो आपका 12 से 14, ये जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ अगर गया तो इतना रहेगा मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम में कितना जाएगा। देखिए, अगर ओवरऑल यहाँ पे 100 मार्क्स में है, तो जो कट ऑफ जो जाने की उम्मीद होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो इसका, चूँकि देखिए पहले का पैटर्न की बात करें, तो पहले का पैटर्न और इस बार का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो 100 में यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपका 55, ठीक है, 55 से 65 के आसपास में देखने को बनेगा।
तो मैंने क्या बताया कि जो आपका कट ऑफ जाएगा कितना जाएगा, 55 से 65 के बीच में रहेगा। ऐसा क्यों? देखो पैटर्न जब नया होता है ना, और फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, अगर पैटर्न पहली बार नया आया हो तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, आपका कम रहेगा, ठीक है, एवरेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं, एक एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे जो नोट में भी आप देख सकते हैं लिखा हो कि इन द फेज़ वन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल इक्वल 1 मार्क्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया गया, फॉर ईच क्वेश्चन 1/4 मार्क्स कटेंगे, यहाँ पे ये मेंशन किया गया, ये चीज़ जाने कि 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे फेज़ वन विल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग। तो यहाँ पे फेज़ वन को आपका कोई भी मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा फेज़ टू के लिए, ठीक है, लेकिन फेज़ टू में जो पेपर होगा वो पेपर वन या पेपर टू आप जो भी देते हैं उसका आपका जो उसमें मार्क्स लाएंगे वो आपका मेरिट बनाएगा, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे बस प्रीलिम्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम जो होगा 31, 1, 2, 3 इस चार डेट में होने वाला है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर मैं बताने की कोशिश किया हूँ। 4000 वैकेंसीज है पता है, 15 टाइम्स जो होगा 15 गुना आपका फेज़ टू में होगा। अब यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ होगा या नहीं होगा, होगा तो देखिएगा, मैंने अभी सिनेरियो बताया क्या होगा, नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन होना होगा, बिल्कुल होगा, याद रखिएगा सेक्शन कट ऑफ होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो कट ऑफ सेक्शन कट ऑफ होगा एज वेल जैसे होता है। और यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे 55 से 65 के आसपास में जाएगा। अब जोन वाइज क्या डिफरेंट होंगे वो अलग बात होगी, और भी ज़्यादा जानकारी एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग से ज़रूर हम लोग आप लोग एक दूसरे से वो शेयर करेंगे। इस वीडियो में बताइए गाइज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, FCI का जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों को पता है कि आ चुका है ना, एग्ज़ाम डेट आ चुका है आपका 31 मई 1 जून 2 3, ठीक है, 31 मई 1 जून 2 जून और 3 जून, ठीक, ये चार डेट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है। पहला चीज़, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, अब सवाल ये है कि फेज़ वन की बात हो रही है कि फेज़ वन जो कि आपका बैंकिंग कह सकते हैं, बैंकिंग बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम है ना, बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्या यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा क्या, ठीक, सेक्शनल कट ऑफ की बात हम करेंगे यहाँ पे कि कट ऑफ होगा क्या, ठीक है। तो देखिए आप फेज़ वन का पेपर होगा, आप सभी को पता है फेज़ वन में क्या है, बिल्कुल जस्ट लाइक यहाँ जो पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल एक बैंकिंग के जैसा है ना, ये बैंकिंग के जैसा ही पैटर्न है। अब इसमें कि कट ऑफ जो होगा, बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ, ठीक, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। तो देखिए ये सरप्राइजिंग रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है, ये सरप्राइजिंग रहेगा। अगर देखिए, अगर हमें यहाँ पे बात करूँ कि सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ होगा यस या नो, ये कहीं पे भी ये बात नहीं कहा है। लेकिन अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट होंगे, ठीक, तो ये बात आप बिल्कुल भली बात ही समझेंगे कि यहाँ पे जो आप जिस तरह के पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 यहाँ पे क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के लिए और सभी के लिए पर्टिकुलर 20-20 मिनट्स, सभी पर्टिकुलर सेशन, इंग्लिश के लिए अलग 20 मिनट दिया गया है, रीजनिंग के लिए अलग 20 मिनट दिया गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए अलग 20 मिनट दिया गया, मीन कि इन्हीं 20 मिनट में आपको हर सेक्शन को कवर करना है, ठीक। अब ऐसे में यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा, सरप्राइजिंग तो है, तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं इतना ज़रूर मान के चलना, ठीक, इतना ज़रूर मान के चलना कि सेक्शनल कट ऑफ होने की संभावना होगा, बिल्कुल, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होने की संभावना होगा। यहाँ पे देख लीजिए 4000+ पोस्ट है, 4000 पोस्ट के लिए आया वैकेंसीज, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होने की गुंजाइश बिल्कुल होगी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे 4000 के बाद 15 गुना जो होगा आपका कहाँ पे होगा, फेज़ टू के लिए आप जितने भी कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे ये टोटल वैकेंसीज जो 15 गुना जो फेज़ टू में जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसीज 4000+ है, ठीक, सबसे ज़्यादा नॉर्थ जोन में है, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी वैकेंसीज नहीं है, बहुत कम भी वैकेंसीज नहीं है, कैंडिडेट काफ़ी संख्या में होंगे। ऐसे में लाजमी है कि यहाँ पे आपका जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा
ताकि यहाँ पे जो है भीड़ कम होगा, भीड़ कम होगा तो फेस टू में कैंडिडेट जो आएंगे वो जो होंगे ना, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो बाकी में मेहनत कर रहे थे, वही कैंडिडेट वहाँ पे फेस टू में देखने को बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप पहले से अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो, तो इस बात को ज़रूर समझो कि यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ होने के चांस है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ क्या कितना रहेगा ये तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा। अगर बात अगर अगर कट ऑफ सेक्शन कट ऑफ रहा तो क्या होगा। देखिए अगर सेक्शन कट ऑफ रहा तो मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो होगा 10, ठीक है, 10 के आसपास में कह सकते हैं। यहाँ पे 8 से 10 जो होगा इसका सेक्शनल कट ऑफ होगा, 8 से 10 होगा। जनरल कैटेगरी के सेंस में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर ओबीसी हैं तो उसे एक दो मार्क्स और कम कर लें, ऐसे एस टी कैटेगरी तो थोड़ा और कम कर लें। रीजनिंग एबिलिटी की यहाँ पे मैं मेरी माने तो जो सेक्शनल कट ऑफ आपका 12 से आपका 14 के आसपास में देखने को मिलेगा, ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होगा जो आपका 12 से 14, ये जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ अगर गया तो इतना रहेगा मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम में कितना जाएगा। देखिए अगर ओवरऑल यहाँ पे यहाँ 100 कुछ मार्क्स 100 मार्क्स में है तो जो कट ऑफ जो जाने की उम्मीद होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो जो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो इसका, क्योंकि देखिए पहले का पैटर्न की बात करें तो पहले का पैटर्न और इस बार का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो 100 में यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपका 55, ठीक है, 55 से 65 के आसपास में देखने को बनेगा। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका कट ऑफ जाएगा कितना जाएगा, 55 से 65 के बीच में रहेगा। ऐसा क्यों, देखो पैटर्न जब नया होता है ना, और फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, अगर पैटर्न पहली बार अगर नया हो तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, आपका कम रहेगा, ठीक है, एवरेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं, एक एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे जो नोट में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि इन द फेज़ वन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल इक्वल 1 मार्क्स, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया गया। फॉर ईच क्वेश्चन 1/4 मार्क्स कटेंगे, यहाँ पे ये मेंशन किया गया, ये चीज़ जाने कि 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। और यहाँ पे फेज़ वन विल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग। तो यहाँ पे फेज़ वन को आपका कोई भी मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा फेज़ टू के लिए, ठीक है, लेकिन फेज़ टू में जो पेपर होगा वो पेपर वन या पेपर टू आप जो भी देते हैं उसका आपका जो उसमें मार्क्स लाएंगे वो आपका मेरिट बनाएगा, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे बस प्रीलिम्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम जो होगा 31, 1, 2, 3 इस चार जो चार डेट में होने वाला है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर मैं बताने की कोशिश किया हूँ। 4000 वैकेंसीज है, पता है 15 टाइम्स जो होगा 15 गुना आपका फेस टू में होगा। अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होगा या नहीं होगा, होगा तो देखिएगा, मैंने अभी सिनेरियो बताया कि क्या होगा, नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन होना होगा, बिल्कुल होगा, याद रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ होगा एज वेल जैसे होता है। और यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे 55 के 65 के आसपास में जाएगा। अब जोन वाइज क्या डिफरेंट होंगे वो अलग बात होगी, और भी ज़्यादा जानकारी एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग के साथ जरूर हम लोग आप लोग एक दूसरे से वो शेयर करेंगे। इस वीडियो में बताइए गाइज।